संस्कार बचाओ संस्कृति अपनाओ अभियान के तहत नवकुंडीय त्रिवेद पर्याण महायज्ञ के चतुर्थ दिन विधि विधान से यज्ञ में आहुति दी गई। वैदिक संस्कृति के बारे में विस्तार से बताया गया। नगर के मुख्य रोड स्थित नगर पालिका परिसर में संयोजक विवेक उपाध्याय के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने यज्ञ में आहुति दी। यज्ञ के बाद मुख्य अतिथि श्री धाम वृंदावन के लिए पधारे ब्रजवासी जगत गुरु पद रेणु जी महाराज ने श्रद्धालुओं एवं संबोधित करते हुए कहा कि हमारी वैदिक संस्कृति में जन्म से पूर्व एवं मृत्यु के उपरांत तक के सभी संस्कार निश्चित किए गए हैं। चार आश्रम चार वर्ण एवं पंच महायज्ञ के अनुसार जीवन जीने से परिवार समाज एवं राष्ट्र में सदा उन्नति होती रहेगी, सुख शांति समृद्धि बने रहेगी। बाबा कर्मयोगी महाराज ने बताया कि भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र पर चलकर समस्त विश्व का कल्याण संभव है। यज्ञ सनातन धर्म से भटके हुए लोगों को आश्रय का रास्ता दिखाता है। ब्रह्म कीर्ति रक्षक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र भारद्वाज ने बताया कि यज्ञ जीवन का आधार एवं संस्कार की जननी है। बताया कि यज्ञ की गूंज देश के कोने कोने तक जाएगी। युवाओं को सांस्कृतिक करने का प्रमुख माध्यम यज्ञ है। दिल्ली से पधारे सत्य प्रकाश पांडे ने जीवन को उन्नत बनाने के लिए वैदिक शिक्षा पद्धति पर जोर दिया। ब्रह्म कीर्ति रक्षक दल द्वारा जो कोसी में नवकुंडीय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, इसमें सभी से अनुरोध है कि जो भी क्षेत्रवासी ब्रजवासी कोसी नगरवासी ग्रामवासी आदि हैं, अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर के अपने अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि ये यज्ञ जो है भगवान श्री हरि नारायण का ही शरीर होता है, भगवान श्री हरि नारायण का ही स्वरूप होता है। यज्ञ में जो आहुति प्रदान की जाती है वो अग्नि के माध्यम से सूक्ष्म होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाती हैं, जिससे छोटे से छोटे प्राणियों को भी उसकी प्राप्ति होती है, प्राणों की पुष्टि होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सनातन धर्म की एक वैज्ञानिक परंपरा है यज्ञ। ऐसे इस दिव्य यज्ञ में सभी लोग सम्मिलित हों, ऐसी मेरी सबसे अनुरोध है। अतिथि रक्षक दल राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज मेरे साथ आदरणीय हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय जी, महामंडलेश्वर जी, आचार्य जी और समस्त टीम, पंच यज्ञ प्रचारणी महासभा के सभी समस्त पदाधिकारीगण, और आज जो श्रेष्ठ कार्य किया जा रहा है ये संस्कार की जननी है। कि संस्कार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का श्रृंगार है। अगर संस्कार नहीं होगा तो हमारा सनातन बचेगा कैसे। आज हम सब मिलकर के इसी तरीके कार्यक्रम कर रहे हैं और करते रहेंगे। पूरे देश में इस सभा का आयोजन होना चाहिए, इस यज्ञ का आयोजन होना चाहिए। ये कल्याण जीव समस्त राष्ट्र के लिए है। कहते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा और समस्त जीवों के कल्याण के लिए इस यज्ञ का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है कोसी से। और ये कोसी से कार्यक्रम पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में फैलना चाहिए कि यज्ञ ही जीव की उत्पत्ति है और यज्ञ ही कल्याणकारी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोल सनातन धर्म की जय।